Hello guys, welcome to success time channel में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ओपीएससी ओमास का कुछ सिलेक्टिव करंट अफेयर्स जो आगे आने वाला एग्जाम है। पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, इसलिए मैं दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कुछ सिल लूँगा, दूसरे वीडियो में जितना लिया था इस वीडियो में ज़्यादा कुछ लूँगा। तो ध्यान से सभी, अगर आप एक्चुअली करंट अफेयर्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके होंगे तो चलिए, ऑनलाइन का करंट अफेयर्स होगा तो एक बार इसको देख लेना। अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको याद रख लेना जो जो करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े हैं तो। ओके, तो चलिए बिना लेट करते शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग माई वीडियो, जिसके बदले हम मोटिवेट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो आप शेयर नहीं करते, कभी कभी शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैं उड़ीसा क्यों, दूसरे मैं उड़ीसा क्यों, इसीलिए मैं हिंदी में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। कोई एसएससी सीजीएल का बंदा प्रिपेयर कराए तो अगर मैं उड़िया में बताऊंगा तो डिसलाइक करके चला जाएगा, क्योंकि हिंदी तो हमको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मैं ओपीएससी का अगर हिंदी में पढ़ाऊंगा तो ओपीएससी का कोर्स चेंज हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं। तो जब मैं ओपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा तब मैं उड़िया में पढ़ाऊंगा, कुछ कुछ लाइन हम बायलिंगुअल में करेंगे, बट करंट अफेयर सभी के लिए तो अच्छा रहेगा हिंदी में मेरे लिए। ओके, तो चलिए बिना लेट करते शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू रोल आउट बिल फॉर डिजिटल इंडिया। खत्म हो गया इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर है आपका गूगल। बोला है कि विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी, किस कंपनी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू रोल आउट बिल फॉर डिजिटल इंडिया। ये कंपनी है आपका गूगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, एंड आईबीपीएस में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पैरा एथलीट टू बी कॉन्फर्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, ये आपका दीपा मलिक, एंड और किसको मिला, दीपा मलिक एंड बजरंग पुनिया। एंड 2018 में किसको मिला था, 2018 में किसको मिला था, विराट कोहली एंड मीराबाई चानू, करेक्ट। चलिए, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु विजिट्स रूसिया टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एनर्जी एंड स्टील सेक्टर्स। ये आपका श्री नरेंद्र प्रधान, सॉरी धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल्लज सक्सेना हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू सेट रेयर रिकॉर्ड इन इंडिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री, ही इज फ्रॉम व्हिच स्टेट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जला सक्सेना ये किस खेल से संबंधित है, या आपका क्रिकेट से संबंधित है, एंड ये कौन सा स्टेट में है, वो आपका केरल स्टेट से। ओके, कभी कभी आपको आज देता है जला सक्सेना किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना सक्सेना मीन्स आ गया तो क्रिकेटर जलस याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी। ये आपका सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये देश है आपका पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान ने गजनबी मिसाइल को फायर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड। ये लॉन्च हुआ है आपका न्यू दिल्ली। ओके, कहाँ पे, न्यू दिल्ली, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच यूनिवर्सिटी ओन द मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2019, इसको बोलते हैं मक्का ट्रॉफी 2019, याद रखना है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, समझ गए। नेक्स्ट, विच नेशन हैज लॉन्च इट्स ओन स्पेस कमांड, कौन सा नेशन खुद का स्पेस कमांड लॉन्च किया है, ये आपका है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट स्काई स्काइलिंग पार्क एट ए हाइट ऑफ 9000 फीट विल बी ओपन डाउन। इंडियाज फर्स्ट स्काई साइकिलिंग पार्क एट ए हाइट ऑफ 9000 फीट विल बी ओपन डाउन, कहाँ पे ओपन होगा, ये आपका ओपन होगा मनाली में। ओके, नेक्स्ट, वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, चलिए मुझे बताना कि चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है, एंड अभी आपका क्वेश्चन से कि वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है, तो वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी लेट जनरल मुकुंद नरवणे। ओके, एक क्वेश्चन याद रखना, हर एक स्टूडेंट चीफ को याद रखते हैं, वाइस चीफ भी इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे कमेंट सेशन बता देना कि चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है। नेक्स्ट देखेंगे, हु बिकम द फर्स्ट इंडिया टू कंप्लीट द 555 किलोमीटर्स लॉन्ग मैराथन एट 10th एडिशन ऑफ ला उल्ट्रा द हाई मैराथन 2019 हेल्ड इन लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर।
याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख के बारे में पूछ रहे तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आपका है आशीष कासोडेकर। ओके नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैज अनवील्ड स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी रिसेंटली। देखिए हम यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल गए, आपको याद रखना है कि हमारा जो एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है, वो है सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कहाँ पे आपका महात्मा गांधी का स्टैचू अनवील किए थे, ये आपका क्या थे मॉस्को रूसिया में। ओके नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया रैंक्स रियास ऑन ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय इप्सोस। ओके इस रिपोर्ट को कौन प्रोड्यूस करता है, इंडियन ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे को इप्सोस आपका इसको ये करता है, तो इसको भी इसका इप्सोस का भी याद रखना। एंड इंडिया इस यहाँ पे कौन सा रैंक में है वो बताना, आपको बताना इंडिया यहाँ पे 9th रैंक में है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इप्सोस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु राइट, यहाँ पे ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बता नहीं रहा है, यहाँ पे बोला है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय इप्सोस। ओके एंड मुझे बता देना कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यहाँ पे हमारा जो इंडिया का रैंक था कितना था एंड उसको कौन इश्यू करता है ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। ओके हु रिटन द बुक टाइटल ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री, इसको कौन लिखा है, इसको लिखा है पीटर बैकर बैकर। ओके पीटर बैकर। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेट द 26th लद्दाखी किसान जवान लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेला इन ले। ओके ले का क्वेश्चन से याद रखना, हु इनॉग्रेटेड द 26th लद्दाखी किसान जवान विज्ञान मेला इन ले, इसका आंसर है श्री राजनाथ सिंह। हमारा राजनाथ सिंह अभी कौन है, हमारा कौन सा मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, अभी राफेल को लाए थे। हाँ ठीक है, सही सोचा आपने। हु वाज पॉपुलरली नोन एज द विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी एंड इंडिया ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर एवर, इसको तो सबको बताए विजार्ड ऑफ इंडियन हॉकी किसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद को। एंड हाँ सॉरी, यहाँ पे मुझे बता देना कि ले का अभी जो उपराज्यपाल वाइस गवर्नर कौन बने हैं। ओके कल ही इनको नियुक्ति किया गया एंड तीनों राज्यों में, एंड जो सत्यपाल मलिक थे इनको भेज दिया गया गोवा में, जो जम्मू कश्मीर का था गवर्नर थे इनको अभी गोवा का गवर्नर बना दिए। एंड यहाँ पे मुझे बता देना कि जम्मू एंड कश्मीर एंड ले लद्दाख, ओके ले एंड लद्दाख इन दोनों का जो गवर्नर बने कौन कौन है कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके नेक्स्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क इज इन हुई स्टेट, बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कौन सा स्टेट में, ये आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट, हु हेडेड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हु हेडेड द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमिटी दैट सजेस्ट द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UID फॉर वाटर बॉडीज इन दिल्ली। एंड मुझे आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि NGT का जो चेयरमैन है वो कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का डायरेक्टर जनरल या फिर चेयरमैन कौन है, इसका जो आंसर है वो होगा आपका स्पीकर। ओके नेक्स्ट, कंपनी विल बिल्ड 1 GW इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट, व्हिच कंपनी, यहाँ पे व्हिच कंपनी विल बिल्ड 1 GW इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल आपको बताएगा कंपनी विल बिल्ड 1 GW इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्लांट। ओके इंडियन ऑयल। हु वाज अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF, ये भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25th डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया एंड BS का आपका जो चेयरमैन है को है BS धनवा। ओके ये जो धनवा चेयरमैन है BSF का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, एंड यहाँ पे जो 25th डायरेक्टर जनरल बनाया गया किसको बनाया गया, इसको बनाया गया विवेक कुमार जौहरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको कभी भूलना नहीं, विवेक कुमार जौहरी। नेक्स्ट, इंडियन शूटर यशवनी सिंह देसवाल विंस डियास मेडल ISSF इंडियन शूटिंग स्टाफ्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, यहाँ पे इंडियन शूटर्स यशवनी सिंह किस खेल से संबंधित है, शूटर से, इसको भी याद रख सकते हैं, यशवनी सिंह शूटर से संबंधित है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। एंड ये कौन सा मेडल जीता है, ये जीते हैं आपका गोल्ड मेडल। ओके कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट, द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस वॉज रिटन बाई, द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से IBPS PO में एंड LIC क्लॉक में LIC HFL में ये पूछ चुका है। ओके LIC SBI PO एंड LIC आपका HFL एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, द बुक एरिया ऑफ डार्कनेस वॉज रिटन बाय, ये आपका BS Naipaul मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BS Naipaul। नेक्स्ट, साइंटिस्ट फ्रॉम हुई इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड द बिगेस्ट एवर कंप्यूटर चिप यूजिंग कार्बन नोनोट्यूब्स CNT RB16X Nano, ये जो पे है ना RB16X Nano, इसको याद रखना है। एंड एक कौन सा जो कंट्री है साइंटिस्ट उसको डेवलप किए, इसको डेवलप किए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसका रखना मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसको कभी भूलना नहीं। हाउ मेनी लूनर बाउंड ऑर्बिट
मैनओवर वाज कैरिड आउट बाय चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ऑन इट वे टू मून साउथ पोल। ओके चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। हाउ मेनी लूनर बाउंड ऑर्बिट मैनओवर वाज कैरिड आउट बाय चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट ऑन इट वे टू मून साउथ पोल। तो इसका आंसर है 5 लूनर बाउंड आपका कैरी किया गया था चंद्रयान 2 में। एंड यहाँ पे अभी पूछा था कि आपका LIC में यह भी पूछ सकते हैं चंद्रयान 2 का जो रोवर था उसका नाम क्या था, चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका नाम था क्या था, चंद्रयान 2 का जो लैंडर था लैंडर का नाम क्या था विक्रम, एंड जो रोवर का नाम क्या था प्रज्ञान। ओके ये दोनों को भी याद रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 कभी लॉन्च हुआ, जुलाई 22 को, ओके 23 को, 23rd को लॉन्च हुआ, 15 को होने वाला था कहीं खराबी से, ये 7 दिन के बाद ही लॉन्च हुआ। यहाँ पे हमको PM लॉन्च होने के दिन यहाँ पे थे, एंड 100 स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया गया था लॉन्च आपका जो लैंडिंग के टाइम पे, यहाँ पे नहीं, जुलाई 20 को तो आपका लॉन्च हुआ था, एंड यहाँ पे लैंडिंग जब भी हो रहा है, जब लैंडिंग करने वाला था मून पे तब 100 स्टूडेंट को PM भी आपका थे बेंगलुरु में। एंड इसको कहाँ से लॉन्च किया था, सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया था जो आंध्र प्रदेश में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। Which among these bowlers has not taken hat-trick wickets in the test cricket? A most important question से याद रखना, वो बोले which among these bowlers has not taken hat-trick wickets in test cricket? देखिए अनिल कुंबले कभी भी test cricket में hat-trick wicket नहीं लिए, हरभजन सिंह लिए ये सब लिए हैं, बट अनिल कुंबले नहीं लिए। हाँ अनिल कुंबले 10th विकेट लिए, एक ही ये आपका इंडियन प्लेयर जो 10th विकेट लिए, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट मीन्स टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन है, अनिल कुंबले, इसको आप याद रख सकते हैं। बट हैट्रिक कभी टेस्ट में नहीं लिए, कभी उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, याद रखना कोई भी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इनमें से मीन्स हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विथ द राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, आपका आंसर होगा गगन नारंग। गगन नारंग कहाँ किस खेल से संबंधित है मुझे कमेंट सेशन में बता देना। एंड इसके साथ एक ही नहीं और एक इनको भी अवार्ड दिया गया, वो है आपका रावण सिंह। ओके दोनों कौन सा खेल से संबंधित है आप मुझे कमेंट सेशन में बता देना, ये भी क्वेश्चन से आ सकते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पोस्टम पुरस्कार इन दोनों को दिया गया, याद रखना। व्हिच कंट्री ओन द SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन U15 चैंपियनशिप 2019, SAFF कौन जीता है, इंडिया, ये तो बहुत चर्चे में था SAFF 15 अंडर 15 चैंपियनशिप में। चलो इंडियाज फर्स्ट बैंक टू डिप्लॉय इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आर्म्स टू काउंट करेंसी नोट्स, तो आपका जो करेंसी नोट्स को काउंट करने के लिए एक इंडियन इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म्स को डिप्लॉय किया जाएगा, ये कौन सा बैंक ने किया, ये ICICI बैंक ने किया, ICICI बैंक। ओके एंड कमेंट सेशन में बताना ICICI बैंक का अभी का चेयरमैन कौन है, ICICI बैंक का चेयरमैन कौन है, इसको भी याद रखना। इंडियाज फर्स्ट गार्बेज केप टू बी ओपन इन इंडिया का फर्स्ट जो गार्बेज केप ये कहाँ पे ओपन होगा, ये ओपन होगा छत्तीसगढ़ में, आंसर होगा छत्तीसगढ़। ओके इंडियाज फर्स्ट गार्बेज केप टू बी ओपन इन छत्तीसगढ़। नेक्स्ट नेम ऑफ द एमी अवार्ड विनर हु पास्ड अवे रिसेंटली, इनको एमी अवार्ड मिला था इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ऑर्बिटरी से, तो इसका इनका नाम है वैलेरी हार्पर। ओके वैलेरी हार्पर इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये एमी अवार्ड इनको जीता है एंड रिसेंटली पास आउट हो गए। 2019 इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया, आपका जो 2019 इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वॉक टू वॉक ऑन वेडनेसडे कैंपेन रिसेंटली, तो वॉक टू वॉक ऑन वेडनेसडे कैंपेन ये मेघालय सरकार ने इसको लॉन्च किए थे, इंपॉर्टेंट याद रखना। Where did the tourism minister inaugurate first ever architecture LED illuminations? Where did the tourism minister inaugurate first ever architectural LED illuminations? ए फेमस प्लेस है ताजमहल, सॉरी कुतुब मीनार न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे आपका LED illuminations का जो इनाग्रेट किया गया है कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में, एंड कुतुब मीनार को शाहजहां ने बनाया था याद रखना। डॉक्टर तमिलीसाई सुंदर रंजन डॉक्टर तमिलीसाई सुंदर रंजन हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हुई स्टेट, इनका नाम भी थोड़ा हटके है, देखिए ये आपका इनको बनाया गया तेलंगाना का गवर्नर, एंड आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है, आंध्र प्रदेश का गवर्नर है
आपका हमारा विश्वभूषण हरिचंदन जो उड़ीसा का ही हमारा। तो यहाँ पे अगर आपको तेलंगाना याद रखने तो मुझे एक बताए तेलंगाना में आपको क्या मिलता वाला है। तेलंगाना आपको श्री साई नीलयम यहाँ पे आपको पड़ता है, इतना याद है ना, श्री साई नीलयम। तो इनका जो नाम में लास्ट में कौन है, साई। ओके साई, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, द न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम MGR SBY मीन्स महात्मा गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च इन हुई स्टेट। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा योजना लॉन्च इन हुई स्टेट, ये आपका राजस्थान। ओके राजस्थान में यहाँ पे लॉन्च हुआ है, पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय मीन्स राष्ट्रीय सेवा योजना, तो ये लॉन्च हुआ आपका राजस्थान में। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट सेट में, अगर आप उतना भी लाइक मिला उतना सपोर्ट मिला, अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स।